स्वागत है आपका आज के डिबेट में। तो आज का डिबेट का मुद्दा है कि देश भर में चल रहे और फैल रहे कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 21 दिनों का लॉकडाउन ऐलान किया है और इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा है। तो आज के इस डिबेट में हमारे साथ होंगे शहर के जाने माने डॉक्टर अमन गुप्ता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। जी बहुत बहुत थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। एक और शख्स जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे अपने ही शहर के MLA श्री दुर्गा यादव जी। सर आपका ही बहुत बहुत स्वागत सर हमारे शो में। जी धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि पीएम मोदी ने जो 21 दिनों का लॉकडाउन पूरे देश में लगाया है, क्या ये संक्रमण तोड़ने में सफल हो पाएगा? क्या इससे हमारे देश में कुछ भी सुधार आ पाएगा? जी जरूर, क्योंकि देखिए अगर इस लॉकडाउन का पालन किया जाए तो इसका संक्रमण फैलेगा नहीं, क्योंकि उसे शिकार नहीं मिलेगा और जितने केस हैं भारत में उतने ही केस रह जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि अपने भारत में जितने कोविड-19 के केस हैं उतने ही रह जाएंगे, तो उनका इलाज आराम से अस्पतालों में हो सकेगा। तो अब मैं MLA साहब से जानना चाहूँगा इस संक्रमण में लगे इसके रोकथाम के बारे में। सर आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? पहले ही बोला हूँ कि जब तक इसका टीका नहीं निकलेगा न तब तक घरे में रहियो, घर में रहबो तो बचबो नहीं तो जेबो वोट ला दे ला। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो जो बोल रहे हैं उसके आज्ञा का पालन कर लिया, अन्यथा नहीं तो आप जानते हैं। और ये मगवा सबके लिए तो बार ये न है, घर में रहेगा रोटी तोड़ेगा, घर का दो चार को कामों सीख लेगा। तो इसलिए और जो महिला वर्ग के लोग हैं, जो जनानी वर्ग के लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि घर में थोड़ा ऐसा माहौल बना सके कि बैल की तरह खड़ने वाला जो मर्द होता है ना उसको थोड़ा 2 मिनट आराम से बात घर में रह सके। और अभी तो 21 दिन का बात है, तो प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए, बच जाइएगा। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि कैसे लोग घर में रहकर ही देश की सेवा कर सकते हैं? देखिए नवीन जी, आपको पुलवामा याद होगा, कितने सारे अटैक्स हुए अपने देश पे, कितने सारे मुसीबतें हैं, लेकिन जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो आम पब्लिक के मन में बस यही चल रहा होता है कि कैसे हमारे जैसे कॉमन पीपल्स इसमें कंट्रीब्यूट करें और मिलकर इस मुसीबत को भगाएं। तो आज तो बस आपको घर पे रहना है, अपने घर पे रहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और आपको तो मौका मिल रहा है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का, घर परिवार में रहने का, सो एंजॉय इट। बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहले तो मसाला ये बात समझ में नहीं आता है, साला चाइना का माल दूसरे 4 दिन टिकेला अब फिर खराब हो जाएगा, ये वायरसवा इतना दिन कैसे चल रहा है भाई? हम प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जहाँ आपको कोई रोडवा पे घूमते हुए दिखे सीधे गोर में मारिए और गोर तोड़ दीजिए, पैर ही टूटेगा बाद में ठीक हो जाएगा। ये कोरोना के चक्कर में तो साला जान पे चला जाता है, नहीं मन लगता है, लगवा दे घर में TV, दे दे अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। हाँ साला सबका जो 2 दिन को सेटिंग है ये, तो बतियाओ मलबा से, बतियाते रहो, घर में रहो, बच जाओगे। डॉक्टर अमन आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं MLA साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अपने घरों में रहिए, घर में तो बहुत सारे काम है करने के लिए, अपने घर वालों के काम में मदद कीजिए। बस ये फेक न्यूज़ जो कि हनुमान जी की इस तस्वीर को एक शॉर्ट ग्रुप में भेजे तो उससे कोरोना वायरस का इलाज होगा, कोरोना चला जाएगा दुनिया से और गौमूत्र से हो रहा कोरोना का इलाज, ये सारे फेक न्यूज़ ना फैलाएं। और जिनके पास जानकारी का अभाव है उनको जानकारी दे और अपने फेसबुक व्हाट्सअप इस पे स्टेटस पे अच्छी अच्छी चीज़ें लगाएं जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हो। और अगर आपको ऐसा कोई पॉजिटिव पेशेंट दिखता है तो आपको लग रहा है कि लक्षण उसके अंदर है कोरोना वायरस के, तो उसे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उसे एम्बुलेंस बुलवा कर उसे अस्पताल पहुँचवाएं। बस अपने हाथों को धोते रहिए लगातार 1 दिन में 20 बार और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, बस यही छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है। धन्यवाद डॉक्टर अमन गुप्ता जी और MLA श्री दुर्गा यादव जी, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त है अलविदा लेने का, तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने घरों में रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, PM मोदी ने जो लॉकडाउन दिया है उसका पालन करें। धन्यवाद।